हरि ओम, नमो नमः सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो। यह अस्माभिः अव्यय भाव समास प्रकरणांतर्गतम् विभक्ति अर्थे अधिहरि रूप सिद्धि उदाहरणम् पठितम्। इदानीं समीप अर्थे उदाहरणम् वर्तते उपकृष्णम्। उपकृष्णम् इत्यस्य लौकिक विग्रह वर्तते कृष्णस्य समीपम् इति लौकिक विग्रह अर्थे। कृष्ण विभक्ति विच्छेद प्लस नस प्लस उप इति अलौकिक विग्रह अर्थे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरद्धि इत्यादि नासूत्रेण समीप अर्थे अव्यय भाव समासे। समासानंतरम कृतद्य समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपो लुकि सुप लुकि अनंतरम अस्माकं स्थिति अभवत् कृष्ण प्लस उप। अनंतरम सूत्रम वर्तते प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा कृते। उपसर्जन संज्ञा अनंतरम सूत्रम वर्तते उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्व प्रयोगे कृते। उप इत्यस्य प्रयोगः अग्रे तथा स्थिति अभवत् उप प्लस कृष्ण अर्थात उपकृष्णः। अनंतरम नियम वर्तते एक देश विक्रितम मनन्यवत् इति नियमेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सोजस इति सूत्रेण सुप्रत्यय। प्रथमा विभक्ति एक वचनात् सुविभक्तो स्थिति अभवत् उपकृष्ण प्लस सु। अनंतरम न अव्ययी भावात् दतो अमत्व पंचम्यः इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे उपकृष्ण प्लस अम इति अस्माकं स्थिति अभवत्। अनंतरम सूत्रम वर्तते अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते उपकृष्णम् इति रूपं सिद्धम् इति अव्ययी भाव समासस्य विभक्त्यर्थे अधिहरि समीपर्थे उपकृष्णम् रूप सिद्धि सिद्धं वर्तते। समीपर्थे उपकृष्णम् उदाहरणम् अनन्तरम् अस्माकं समीपे उदाहरणं वर्तते समृद्धि अर्थे सुमद्रम्। सुमद्रम् इत्यस्य लौकिक विग्रह मद्राणां समृद्धि इति लौकिक विग्रह अर्थे। अलौकिक मद्र विभक्ति विच्छेद षष्ठी विभक्ति बहुवचनात् आम मद्र प्लस आम प्लस समृद्धि अर्थे अव्यय वर्तते सु इति अलौकिक विग्रह अर्थे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि ना सूत्रेण समृद्धि अर्थे अव्ययी भाव समासे। कृतद्य समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुपो लुकि। सुपो लुकि अनंतरम स्थिति अभवत् मद्र प्लस सु। अनंतरम प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण सु इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा कृते। उपसर्जन संज्ञा अनंतरम सूत्रम वर्तते उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्व प्रयोगे कृते। पूर्व प्रयोग अनंतरम स्थिति अभवत् सु प्लस मद्र। अनंतरम एक देश विकृत मनन्यवत् इति नियमेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सोजस इति सूत्रेण सुप्रत्यय। स्थिति अभवत् सु प्लस मद्र प्लस सु। अनंतरम नामे भावात् ततो अमत्व पंचम्यः इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे स्थिति अभवत् सु प्लस मद्र प्लस सुस्थाने अमादेश अम। अनंतरम अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते सुमद्रम इति रूपं सिद्धम् इति सुमद्रम। सुमद्रम अनंतरम व्यरति अर्थे दुर्यवनम उदाहरणम अस्माकं समीपे वर्तते। दुर्यवनम इत्यस्य लौकिक विग्रह यवनानां व्यरद्धि इति लौकिक विग्रह अर्थे। यवन विभक्ति विच्छेद षष्ठी विभक्ति बहुवचना आम प्लस दूर इति अलौकिक विग्रह अर्थे। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादिना सूत्रेण व्यरद्धि अर्थे अव्ययी भाव समासे। समासानंतरम कृतद्धि समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपो लुकि। स्थिति अभवत् यवन प्लस दूर। अनंतरम प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम इति सूत्रेण दूर इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा विधीयते। उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्व प्रयोगे दूर प्लस यवन इत्यवस्थायां
अस्माकं समीपे एकं न्याय वर्तते जलतुम्बिका इति न्यायेन रेफस्य पूर्वं गतो इति नियमेन इति न्यायेन रकारस्य गति ऊर्ध्वः अभवत् स्थिति अभवत् दुर्यवन अनन्तरं एक देश विकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्राकृतिक संज्ञा सोजस इति सूत्रेण सुप्रत्यय स्थिति अभवत् दुर्यवन प्लस सु अनन्तरं नाभिभावादतोमत्व पंचम्यां इति सूत्रेण सुस्थाने आदेशे स्थिति अभवत् दुर्यवन प्लस अम अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे दुर्यवन प्लस अम दुर्यवनम इति रूपं सिद्धम्।